प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश की जनता नूं सस्ते हवाई सफर का तोहफा दिंदिया शिमला तो उड़ान स्कीम की शुरुआत कर दी है। करीब चार साल बाद शिमला तो दिल्ली के लिए हवाई सेवावां शुरू हुई ने। इस दे बाद प्रधानमंत्री ने सस्ती हवाई सेवावां की लोड़ ते जोर दिंदे होए यह कहा कि हुण हवाई सेवा सिर्फ राजा महाराजां की गल नहीं रहेगी, सगों इस विच हुण चप्पल पाउण वाले भी सफर कर सकणगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस हवाई सेवा का किराया करीब 2500 रुपए रखा गया है, जो कि टैक्सी दे सफर तो भी सस्ता होवेगा। दस दईए कि शिमला दे विच हवाई सेवा शुरू होण दे नाल ही सूबे दे विच सैर सपाटे नूं वधावा मिलेगा। अते इस दे बाद प्रधानमंत्री ने बिलासपुर दे बंदला विच बनण वाले हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन किया। इत्थे इह वी दस दईए कि हिमाचल प्रदेश दे विच इस साल दे अखीर विच विधानसभा चोणां होणियां ने अते इत्थे वी कमल खिडाउण दी तैयारी बीजेपी वल्लों पूरी तरह कर ली गई है। ये हवाई सफर कैसी बन रही है? आज हम टैक्सी में जाएं बाय रोड, 1 किलोमीटर का किराया करीब 8 से 10 रुपया होता है। दिल्ली शिमला की हवाई यात्रा ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में, अगर रोड पर मैं यात्रा करके आता हूं कम से कम 9 घंटे, अगर रोड मार्ग से आया मैं किलोमीटर का हिसाब लगाऊं और 10 रुपया हिसाब लगाऊं मैं, और हवा पहाड़ में तो 10 रुपये से ज्यादा हो जाता है। ये सफर ऐसी है जो समय भी बचाएगी और इसका खर्च टैक्सी में अगर किलोमीटर का 10 रुपया लगता है तो नई पॉलिसी के तहत हवाई यात्रा का किलोमीटर का खर्चा सिर्फ 6 या 7 रुपया लगेगा।